यार मेरे वीडियोस पे व्यूज क्यों नहीं आते यार, मेरे ब्लॉग में ऐसा क्या कमी है यार, सौरभ जोशी के ऐसे ब्लॉग में क्या है जो लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। यार ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे ना कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसका मेन पांच कारण है जिसके कारण आपकी ब्लॉग बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। ये पांच कारण क्या है पता, आइए जानते हैं। देखो फर्स्ट कारण है स्टोरी। आप कोई भी वीडियोस देखते हो, आप कोई भी मूवी देखते हो, आप वेब सीरीज देखते हो, आप इवन एड भी देखते हो, वो आपको स्टोरी एक दिखाता है। इस वीडियो की स्टोरी अच्छी रहती है वो वीडियो आपको उतने दिन तक याद रहता है। आपको पता है डेली कितने सारे मूवी आते हैं, कितने सारे वेब सीरीज आते हैं, लेकिन आपको कुछ ही मूवी याद रहते होंगे, कुछ ही वेब सीरीज याद रहते होंगे, क्योंकि वो जो आप मूवी या वेब सीरीज देखते हो उसकी स्टोरी से आपकी लाइफ कनेक्ट होती है। अब ये बात तो रही वेब सीरीज या फिर कोई भी मूवीज का, ब्लॉग भी बनाते हो ना, अगर आपकी वीडियोज का स्टोरी क्लियर नहीं है ना, आपकी वीडियोज नहीं लोग देखेंगे। आप बोलोगे कि भाई मेरी वीडियोज अच्छी है बट फिर भी नहीं चलती। तो स्टोरी सिर्फ वीडियोज में नहीं, आपको टाइटल एंड थंबनेल में भी एक स्टोरी क्रिएट करना होगा। कि फ्लाइंग बेस्ट या फिर सौरभ जोशी करते हैं, उनकी वीडियो नॉर्मल रहती है, लाइफस्टाइल ब्लॉग रहता है, बट वीडियोज के टाइटल में या फिर थंबनेल में एक ऐसा चीज दिखता है, लोगों को पता नहीं होता है कि इस वीडियो में भाई होने क्या वाला है, पीयूष ने आज ये किया या पीयूष फंस गया, कुछ भी ऐसा। उससे क्या होता है कि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई क्या हुआ आखिरकार। पर देखो वीडियोज का कंक्लूजन क्लियर ना होना तो लोग वीडियो देख डालते हैं पूरी एंड तक। आप पहले ही बता देते हो कि गाइस आज हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया या आज हम लोग ताजमहल जा रहे हैं, एंड वही चीज आप थंबनेल में डालते हो, कई सारे वीडियोस कई सारे फोटोज वो लोग ऑलरेडी ताजमहल का देख चुके हैं, तो आपकी वीडियोस लोग क्यों देखेंगे। नहीं, अगर आप डाल देते हो कि विक्टोरिया में वीडियो कैसे बनाए, तो देखो विक्टोरिया में काफी सारे लोग जाते हैं, वहां घूमते हैं, एंड उनको ये बहाना भी मिल जाएगा भाई चलो विक्टोरिया है तो यहां शूट भी कर ले, और शूट करने के लिए उन्होंने वो वीडियो देख डाली है। इसलिए आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी, चाहे फेक स्टोरी हो या फिर रियल स्टोरी। दूसरा चीज है एडिटिंग स्टाइल। तो कई सारे लोग वीडियोस एडिट करते हैं, अब एडिटिंग स्टाइल कहने का मतलब ये है, देखो मैंने बहुत सारे में आप लोगों को एडिटिंग सिखा रखी है, तो एडिटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता वीडियो में कट लगा लिया और म्यूजिक लगा लिया ये हमारी वीडियो एडिट है, तो ये सब चीज नॉर्मल है। लेकिन अब अगर आप अपना खुद का एक स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, आपको एडिटिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना स्टाइल अपना टच लाना होगा कि ऑडियंस जब वीडियो देखे तो वो फील करे कि हाँ मैं रोहन फोटोग्राफी की ही वीडियोस देख रहा हूँ, किसी कॉपी का वीडियो नहीं देख रहा हूँ, किसी का कॉपी नहीं देख रहा हूँ। उस तरीके से आपको अपना एक स्टाइल क्रिएट करना होगा, आपको अपना म्यूजिक सिलेक्शन बेस्ट तरीके से करना होगा, जिस तरीके से म्यूजिक सिलेक्शन करोगे, जिस तरीके से ट्रांजिशन टेक्स्ट इन सब चीजों पे काम करोगे, आपकी वीडियोस यूनिक बनेगी, आपका फेस वैल्यू बनेगा लोगों में, एंड देन आपका वीडियोस बोरिंग नहीं होगा, आपका वीडियोस इंटरेस्टिंग बनेगा। जो म्यूजिक आप बोल रहे हो उस टाइम जो चल रहा है म्यूजिक, आप जब सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहे हो वही म्यूजिक चल रहा है, तो सिनेमैटिक शॉट्स के लिए अलग म्यूजिक रखो, कैम करते हो उसके लिए अलग म्यूजिक रखो, इस तरीके से करोगे तो आपका जो है वीडियो इंटरेस्टिंग बनेगा, आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग बनेगा। सारे लोग जो वीडियो अपना शूट करते हैं, अपना ब्लॉग जो शूट करते हैं, वो फ्रंट कैमरा से शूट करते हैं। फ्रंट कैमरा जब आप यूज करते हो तो क्या होता है ना कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो अपने ऑडियंस से। आप जब भी फ्रंट कैमरा यूज करोगे तो लोगों की आदत होती है कि वो फेस देखने के लिए स्क्रीन पे देखते हैं, जब स्क्रीन पे देखोगे आपका आई जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, वो आप कैमरा पे देखोगे नहीं। जब भी आप शूट करो ना ब्लॉग, कैमरा यूज करने से क्या होगा, हमेशा कैमरा पे के लेंस पे ही देखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके ऑडियंस से ना डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, वो देखने में ज्यादा बेटर लगता है। एंड बैक कैमरा में बहुत ज्यादा क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ऑलवेज कोई भी फोन यूज करो, चाहे एंड्रॉइड यूज करो या आईफोन यूज करो, बैक कैमरा हमेशा फ्रंट कैमरा से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब ये चौथा पॉइंट है ना, इसमें आपको शूट करने वक्त एडिट करने वक्त दोनों चीज में ध्यान रखना होगा। जब भी आप शूट कर रहे हो एंड सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहे हो, करो कि हर एक डिफरेंट एंगल से दिखाएं, एक ही एंगल से आप आई लेवल एंगल से सिनेमैटिक शॉट्स मत दिखाओ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल यूज करो, मतलब स्क्रीन टाइम हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। लोगों का जो आंख है ना वो हमेशा देखना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट चीज, एकदम एक ही चीज दिखाते रहोगे तो उसको क्या होता है कि फ्लैट वीडियो हो जाता है। बीच बीच में सिनेमैटिक शॉट जो दिखाते रहोगे वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रहेगा। ये चीज जो लोग गलती करते हैं, जब आप फेस कैम करते हो तो वही एस्पेक्ट रेशियो रहता है, सिनेमैटिक शॉट दिखाते हो तो वही एस्पेक्ट रेशियो रहता है। एस्पेक्ट रेशियो चेंज करो एडिटिंग के टाइम में या फिर शूट के टाइम में, सिनेमैटिक बार वगैरह लगाया करो। जब भी आप सिनेमैटिक शॉट दिखाओ तो सिनेमैटिक बार लगा दिया करो, जब आप फेस कैम करते हो तब वहां पे कोई जरूरी नहीं है सिनेमैटिक बार लगाने का। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी होगी ताकि आपका वीडियो डिफरेंट हो, आपका वीडियो बोरिंग ना बने। नॉर्मल ब्लॉग भी करते हो तब भी इन सब चीजों को ध्यान दे सकते हो, चाहे लाइफस्टाइल हो चाहे कुछ भी हो। लोग बोलेंगे भाई लाइफस्टाइल ब्लॉग में इतना चीज नहीं देखा जाता है, देखो आप दूसरे लोगों से हमेशा डिफरेंट करोगे ना तो आपको वीडियो बनाने में भी मजा आएगा, ऑडियंस को हमेशा डिफरेंट देखने में भी अच्छा लगता है। अब देखो ये सारी चीज करने के बाद एक बात तो पक्की है कि यार स्टोरी टेलिंग का अभी गजब ही मतलब जलवा है ब्लॉग में। आप स्टोरी टेलिंग नहीं भी करते हो तो मैं आपको एक पॉइंट जरूर कहूंगा, लिखना शुरू करो। लिखने से क्या होता है, देखो आपके दिमाग में जो चलता है ना चीजें लोग भूल जाते हैं तुरंत, आपके कोई आइडिया आता है तो उस चीज को ना आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से क्या होगा, जो चीज आपके दिमाग में चल रहा है अगर वो नोट डाउन कर लेते हो वो चीज आप अपने व्यूअर को उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं बट शूट करोगे तो उस टाइम एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा, ऐसा मेरे साथ भी होता है।
मैं लिखना शुरू करता हूँ। एंड लिखने से क्या होगा ना कि आपको नए नए प्रेजेंटेशन के आइडिया आएंगे। देखो, शूट करना, एडिट करना काफी सारे लोग सीख चुके हैं, लेकिन अपना अपना एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जो भी आइडियाज आता है ना, वो आप कॉपी में लिखो, चाहे आप भाई नोट में लिखते हो तो नोट में लिखो, पेन एंड पेपर का यूज करो। ऐसा बड़े बड़े ब्लॉगर, ऐसा बड़े बड़े स्टोरी टेलर बोलते हैं, पेन और पेपर का यूज जितना करोगे उतनी ही अच्छी आपकी वीडियोज बनेगी, उतना ही अच्छा आपका स्टोरी बनेगा। तो मैंने ट्राई किया इस वीडियो में कि आपको जितना अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर आपको स्टोरी टेलिंग पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कमेंट करो, मैं बहुत अच्छा एक रिसर्च करके वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपकी वीडियो अब बोरिंग ना रहे, थोड़ी सी स्टोरी पे काम करो, आपके वीडियो में स्टोरी लाओ। ब्लॉग बनाओगे नॉर्मल ताजमहल देखने जा रहे हैं तो भाई वीडियो नहीं चलेगा। तो ट्राई करो हमेशा एक स्टोरी क्रिएट करने का, अपने वीडियो में फेक स्टोरी हो या रियल स्टोरी हो। क्योंकि देखो, वीडियो में ना लोग कुछ यूनिक देखना चाहते हैं, तो यूनिक नहीं करोगे तो लोग नहीं देखेंगे। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। योर क्वेश्चन, हरिद्वार से आए? या यहाँ किस लिए आए? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो राम